गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है ना दोस्तों। हम लोगों को क्या चल रहा है दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, ठीक है ना। आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच कोई भी हो, चाहे आप सिविल ब्रांच से हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन के हो, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है ना, किसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये रखा गया है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और अपनी जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ साथ जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस रहता है ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए सेम रहता है, ठीक है ना। इसीलिए आप सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में हम लोगों का चल रहा है चैप्टर जो सेकंड है हम लोगों का गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको सारे टॉपिक कवर करा दिए थे बहुत ही बढ़िया तरीके से विद एग्जाम्पल, और फिर मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराया हुआ था, ठीक है ना, जिसमें मैंने कई सारी बुकों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ था, ठीक है। और हम उसी PDFs के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों उसमें हमने Type 2, ठीक है, Type 1 और Type 2, इन दो टाइप को हमने कंप्लीट कर लिया था। Type 1 और Type 2 के जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने कम्प्लीटली सॉल्व करा दिए थे, और आज हमें सॉल्व करना था Type 3 के क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो भी आपके Type 3 के क्वेश्चन हैं उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, और आई होप आप सबके पास PDF पहुँच गई होगी। और अगर आप तक अभी तक PDF नहीं पहुँची है तो आपको सिंपली करना क्या है, टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन हो जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ जाकर के आपको क्या करना है, मैंने मैसेज पिंड किए हुए हैं, ठीक है ना, पिन कर दिए मैंने सारे आपकी जो PDF है उनको, तो आपको उन पर क्लिक कर देना है और आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दोनों का PDF डाल चुका हूँ। तो अब देखिए दोस्तों Type 3 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार फॉर्मूला रिवाइज जरूर कर लिया करिएगा, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और नोट भी करता जाऊंगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या बोला गया है, जो Type 3 का आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको एक सीरीज दी गई है, और सीरीज है आपकी 1+4+16+64 +... करके दोस्तों इतना है, ठीक है ना। और इसमें आपसे 7 पदों का योग पूछा है, इस सीरीज के 7 पदों का योग पूछा है आपसे, सम ऑफ सेवन टर्म क्या होगा आपसे ये पूछा गया है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो 4 पद तो आपके दिए गए हैं, बट इसमें आप आगे 3 पद अगर और ऐड करेंगे और फिर सभी को ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा वो आपसे पूछा गया, ठीक है ना। पहले आप क्या करिएगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, देन आफ्टर आप उसको सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है ना। तो आपसे इसमें ये बोला गया है कि इस सीरीज के 7 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कितने दोस्तों, 7 पदों का योग, यानी कि क्वेश्चन हमारा सम से रिलेटेड है तो फॉर्मूला हमारा सम का लगेगा, हम इतना जानेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारा सम का क्या होता है, अब सम की तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, कौन कौन से फॉर्मूले बताए थे, पहला बताया था आपका कि s ऑफ n जो होता है वो होता है दोस्तों a ब्रैकेट के अंदर r पर पावर n -1 और अपॉन r -1 होता है, ठीक है, क्या होता है, r -1 होता है। इसके बाद एक सेकंड बताया था sn = a 1 - r पर पावर n अपॉन 1 - r। मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले बताए थे किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम से रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें कंडीशन होती थी, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई थी, क्या आपको नीचे देखना था बेस में, तो आप देख पा रहे होंगे कि r से 1 को घटाया जा रहा है, r से हम 1 कब घटाते हैं, जब हमारा r बड़ा होगा, यानी इसमें कंडीशन ये होती थी कि r इज़ ग्रेटर देन 1, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, यानी जब हम इस सीरीज से कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे और उसका वैल्यू अगर हमारा 1 से ज़्यादा आता है तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये इतना सा लॉजिक था, बस मैंने याद करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी। सेकंड फार्मूले की बात करें तो हमारा है 1 - r, यानी यहाँ देख सकते हैं 1 आपका ग्रेटर है, r छोटा है, अभी तो बड़े से छोटे को घटा रहे हैं, यानी 1 आपका बड़ा है और r आपका छोटा है, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि r इज़ लेस देन 1, यानी जब r का मान 1 से छोटा रहेगा
तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब तो हमें ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें सीरीज से कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। फॉर्मूला रिवाइज हो गए होंगे आपको बहुत अच्छे से, क्या है, पहला है एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर आर पर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड है एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर वन माइनस आर पर पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है ना। चलिए अब आपको पता करना है यहाँ से आपका कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपको पता करना है एक से बड़ा है या एक से छोटा। तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 1 या 16 अपॉन 4 या 64 अपॉन 16, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो आपने देखा जो आपका कॉमन रेशियो r है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होने का मतलब एक से बड़ा है। तो हमारा कौन सा पहला वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि हम फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए आर पर पावर एन माइनस का वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है ना दोस्तों। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने इतना पता कर लिया। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एस एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, आर पर पावर एन और आर की वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना एस सेवन। तो यानी अगर हम यहाँ एस सेवन कर देंगे तो हमें एन का वैल्यू सेवन मिल जाएगा। तो हमारे पास एन आ चुका है, आर मैंने अभी आपको बता दिया, और ए हमारा क्या होता है, श्रेणी का पहला पद। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एस सेवन, आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हो जाएगा एस सेवन इज इक्वल टू ए आपके पास वन है तो वन कर दीजिए इंटू आर पर पावर एन करना है तो फोर पर पावर एन आपके पास क्या है, एन आपके पास सेवन है, सातवां या हम कह सकते हैं सात पदों का योग पूछा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म आपको दिए हैं यानी एन दिया है तो फोर पर पावर सेवन माइनस का वन अपॉन आर माइनस वन यानी फोर माइनस वन तो थ्री हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, फोर पर पावर सेवन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और माइनस वन करने के बाद थ्री से डिवाइड कर देना है। फोर पर पावर सेवन माइनस का वन अपॉन थ्री, ये जो आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इसको आप करते हैं कैलकुलेट, ठीक है ना। तो फोर का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है 16 आता है, ठीक है ना। और 16 का फिर से करेंगे तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि फोर टाइम हम कर चुके हैं, थ्री टाइम और बचा, इसका मल्टीप्लाई दोनों का कितना आएगा 256। इसके बाद थ्री टाइम और बचा यानी फोर फोर या 16, और 16 का करेंगे एक बार फोर में फिर से, ठीक है ना, यानी 64। तो आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 256 का मल्टीप्लाई कर देना है, 256 का मल्टीप्लाई कर देना है 64 से। तो देखिएगा इसको मैं जल्दी से कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 कैरी 2 आ गया, और ये हो जाएगा 4 5 20, 2 22 का 2 हासिल 2 आ जाएगा, 4 2 ना 8 और 2 10 हो गया, और 6 6 36 का 6 हासिल लग गया 3, 6 5 30 और 3 33 का 3 हासिल 3, 6 2 ना 12 और 3 15 आ गया। इसके बाद ये 4 8 3 6 1, ठीक है ना। इतना आपका आ गया 4 पर पावर 7 की वैल्यू, यानी 4 का मल्टीप्लाई 7 टाइम करना था, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कितना, 384 माइनस 1 करना है, 3 से डिवाइड करना है। अब आगे देखिए ये हो जाएगा 16383 इतना अपॉन 3 हो जाएगा। आप चाहें तो ये आंसर लिख दीजिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये आएगा 35 15, 1 आ गया, ठीक है ना, 34 12 एक आ गया, ये और ये 36 18 और 31 3। तो आपके सात पदों का जो योग होगा, ठीक है ना, आपके जो सात पदों का योग होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया, चलिए देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया है उसमें आपको पहले तो सीरीज दी है, सीरीज है आपकी 1+2+4+8 प्लस डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस सीरीज के जो 10 टर्म हैं उनका सम आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको एस 10 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एस एन का मतलब योग होता है, टी एन का मतलब एन व पद होता है, ठीक है ना, यानी एन व टर्म रहता है आपका। तो एस एन, एन आपका 10 है तो 10वां पद हो जाएगा यानी एस 10। तो एस 10 आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि एस 10 का मतलब 10 पदों का योग। तो 4 पद ये हैं आपके, 6 पद और आगे होंगे, उन सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा ये आपसे पूछा गया है,
तो इसके लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला डिसाइड करना होता है कि दो में से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो वो हम डिसाइड करेंगे आर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आर हमारा क्या आता है, तो आर हमारा 2 आएगा, ठीक है ना। कैसे निकाला, आर को हमने निकालने के लिए 2 को पहले 1 से डिवाइड किया, या हम 4 को 2 से कर सकते थे, तो 2 ही आएगा, सिंपल है आपका, ये हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब आपने देखा आर आपका क्या है, आर इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला पहला वाला लगेगा कौन सा, एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर आर पर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो आपको यहाँ से एस एन यानी एस 10 कैलकुलेट करना है, ए आपका कितना है 1 है, इंटू आर पर पावर एन, आर पर पावर एन का मतलब 2 पर पावर 10, ओके, माइनस का 1 अपॉन आर माइनस 1, तो आर आपका 2 है और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, डिवाइड भी 1 से ही करेंगे तो सेम वैल्यू आने वाली है, यानी एस 10 आपका आ जाएगा 2 पर पावर 10 माइनस का 1। अब 2 पर पावर 10 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो देखिएगा आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो ये हमने कितनी बार किया, 6 बार किया, तो हमारा 64 आ गया, ठीक है ना। तो 64 ये हो गया, यानी कि अभी 4 बार और बचा हुआ है, तो ये हो गया 4 बार, 1 2 3 4, ओके। तो 2 2 4 और 4 4 16, इतना आपका आ जाएगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 16 4 64 का 4 हासिल 4 आ गया, 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 16 5 80 और 16 6 96, और 96 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 102, ओके, 102 यानी 1024, और 1024 से एक घटा दीजिए तो 1023 आपका आ जाएगा इसके 10 पदों का योग, ठीक है ना। 10 पदों का योग कितना है इस सीरीज़ के, 1023 है आपका इस सीरीज़ के 10 पदों का योग, ठीक है ना, 1023। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहले तो ये डिसाइड करिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और तीसरे पर आपको सभी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ओके। इसके बाद आपको चौथे पर कैलकुलेशन कर लेनी है अपनी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप करिएगा सॉल्व खुद से, ठीक है ना। मैं कुछ हिंट आपको दे रहा हूँ, और अगर नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे कोशिश करिएगा दोस्तों आप इस वीडियो को खुद से सॉल्व करने की, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इसमें आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 2 + 4 + 8 + 16, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके 10 पदों का योग बताइए, यानी कि t10 कितना होगा आपको ये बताना है, t10, ठीक है ना। तो t10 निकालने के लिए हमारा हो जाएगा t10 इज इक्वल टू a, a आपके पास 2 है, ठीक है ना। पहले ये तो डिसाइड करिए कि r कितना होगा, तो r आपका 2 होगा, r आपका 2 होगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया, अभी तो किया भी नहीं है, ठीक है ना। आपका r यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 आ जाएगा। तो a ब्रैकेट के अंदर r, r कितना है आपका 2, r पर पावर n यानी कि 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो r 2 है यानी 1 आ गया, ओके दोस्तों। अब देखिएगा, अब आपका जैसे कि 2 पर पावर 10 माइनस 1 का वैल्यू आपका इतना आ गया, तो आप 2 का उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1023 गुणे 2 यानी 2046 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इतना ये आपका हो गया 10 पदों का योग, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल था, 2 से मल्टीप्लाई करना था बस, देख लीजिएगा। अगला चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, चौथा क्वेश्चन है आपका 2/9, चलिए मैं इसको नोट कर देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी है 2/9 माइनस 1/3 प्लस 1/2, तो फिर आगे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस दिया, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, बोला गया है इस सीरीज़ के 5 पदों का योग आप निकाल करके बताइएगा मुझे। इस क्वेश्चन ने आपसे ये बोला है कि आप 5 पदों का जो है योग निकाल करके बताइएगा, तो आपका यहाँ से एस एन यानी S5 ये आपको कैलकुलेट करना है, कितना S5, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताए बिल्कुल सेम मेथड से, ठीक है ना। बट यहाँ आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आपका आर है वो क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आर हमारा वैसे भी 1 से छोटा ही आने वाला है, देखिए कैसे, 1/3 को डिवाइड करना है 2/9 से,
तो मैंने डिवाइड किया, आउटर आउटर कर दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस का 9/6। कितना हो जाएगा? माइनस का 9/6, आउटर आउटर इनर इनर, 3 से काटा, 3 तिर का 9 और 3 दूना 6, यानी कि आपका आ गया माइनस का 3/2। क्या आ गया दोस्तों? माइनस का 3/2। और ये माइनस का 3/2 आपका 1 से छोटा है। क्या है? 1 से छोटा है। माइनस का वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी रहती है। आपने नंबर सीरीज पढ़ी होगी, यहाँ आपका 0 रहता है, पॉजिटिव बढ़ता जाता है 0 के इस साइड और नेगेटिव बढ़ता जाता है 0 के इस साइड, -1, -2, -3 इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ +1, +2, +3, तो आपका जो माइनस का 3/2 होगा ये क्या होगा? 1 से आपका छोटा होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो ये कर देंगे ना, देखेंगे कि माइनस 2 से डिवाइड किया तो 1 कुछ करके आ रहा है, यानी कि 1 से बड़ा आ रहा है, तो फॉर्मूला पहले वाला लगाना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। माइनस का भले ही आया आपका, लेकिन माइनस की वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी रहती है ना। क्या रहती है? माइनस का वैल्यू आपका हमेशा 1 से छोटी रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है? आपको सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करना है, यानी SN=A 1-r/n और अपॉन 1-r, ये आपको फार्मूला यूज़ कर देना है, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे। S आपको कौन सा? पांचवा पद निकालना था, तो S5=A हो जाएगा। A आपका कितना है? 2/9 कर दीजिए। इसके बाद 1-r आपका कितना निकला? r देख लीजिए कहाँ चला गया, ये रहा आपका निकला माइनस का 3/2। और इस पर पावर आपको कितना करना? n, तो n आपका कितना है? 5। इसके बाद अपॉन करना है 1-r, तो 1-, पहले से था तो प्लस हो जाएगा 3/2, इतना कर दिया। अब देखिएगा नीचे का, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप थोड़ा बहुत। तो यहाँ लिखा हुआ है 2/9, इसके बाद इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग नोट करने वाले हैं। तो 1-, -का 3/2, पावर का 5, और ये नीचे कितना आ जाएगा? 2 बन जाए 2 और 5, तो 5/2 इतना आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कर देते हैं हम लोग क्या आगे नोट, ठीक है ना। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में नोट कर देता हूँ जल्दी से, तो देख लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे सॉल्व होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का दोस्तों जो है समीकरण बन गया था, हम कह सकते हैं सवाल हमारा इस तरीके से आ चुका था। हम निकाल रहे थे S5, क्या निकाल रहे थे हम दोस्तों? निकाल रहे थे S5, ओके। तो आप देखिएगा, अब ये 2 हमारा ऊपर जाएगा यानी 4 हो जाएगा, और अपॉन में रहेगा 9/5 = 45, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिएगा, अब हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर हमारा दिया है 1-3/2/5, यानी -3/2 का मल्टीप्लाई आपको कितने टाइम करते जाना है? 5 करते जाना है आपको, 3/2 × 3/2 × 3/2 × 3/2 इस तरीके से 5 बार। तो यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 5 बार कर दीजिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 बार कर दीजिए। तो दोस्तों जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? देखिए, 3 × 9 हो गया 2 बार, ये 9 × 81 हो गया, और 81 फिर 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि आपका आ गया 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, 243। ये आप कर लीजिएगा, 3 का मल्टीप्लाई मैंने 5 बार किया तो 243 आ गया, यानी माइनस, और यहाँ माइनस का 243 आ गया 3/5 की वैल्यू। 2/5 की वैल्यू तो हमें पता है 32 होती है, कितनी होती है? 32। इसके बाद अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए, ये हो गया 4/45, कितना हो गया? 4/45। अब ये आपका ब्रैकेट हटा तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि 1 + 243/32 इतना हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ से लिया 32 LCM, तो यहाँ 32 हो गया, ठीक है ना, 32 और प्लस हो गया 243। इसके बाद देखिए, इनटू में आपका 45 चला आ रहा है, तो चला आने दीजिए इसको, इनको ऐड किया तो 3 और 2 = 5 हो गया, 4 और 3 = 7 हो गया, 275/32 × 4/45 हो गया। अब मैं काटता हूँ 4, 4, 8 = 32, 5 से जब मैंने काटा तो 5, 9 = 45 और 5, 5 = 25 और 5, 5 = 25, तो 55/72 ये आपका आंसर हो गया। जो आपको सीरीज दी गई थी, क्या दी गई थी दोस्तों?
जो आपको सीरीज दी गई थी, चलिए देखिएगा, ये आपको सीरीज दी गई थी, इसका जो पांचवा पद होगा, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, यहाँ जो पांचवा पद आएगा वो कितना आएगा, आपका कितना आया है, आपका आया हुआ है 55/72। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 55/72। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, जब हम आर का वैल्यू निकालते हैं तो वो देखना है आर जो है एक से बड़ा आ रहा है या एक से छोटा। हालांकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस भी ध्यान नहीं देते, 1/3 सीधा आपको डिवाइड कर दिया 2/9 से, तो आपका प्लस का 3/2 आएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपका पॉजिटिव का 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर देंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रूल है, अगर आपका आर का वैल्यू 1 से बड़ा आता है तब आप वो फॉर्मूला लगाएंगे, और छोटा आता है तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप लगाएंगे सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, 1-r वाला। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, पाँचवें क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पहले अच्छे से। पाँचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो चलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। पाँचवा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आपका सीरीज है 1-2 + 2² इसके बाद -2³ +... इस सीरीज का दोस्तों आपको 10 पदों का योग बताना है, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म आपको निकालना है, एस 10 आपको निकालना है, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख देते हैं ना एस 10, इसका मतलब होता है 10 पदों का योग। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, यहाँ किए हैं आपने, समांतर श्रेणी में किए हुए, तो आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 1-2 + 2² - 2³, यानी कि इसी को हम अगर और डिफाइन करें तो बोल सकते हैं 1-2 + 4 - 8, ये बोल सकते हैं +... इसके 10 पदों का योग निकालना है, तो इसको आप नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, आपका हो गया n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 10 हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 1, r की वैल्यू बात करें तो माइनस का 2 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, r का वैल्यू माइनस का 2 आ गया, जो कि क्या है, एक से छोटा है। तो फॉर्मूला लगेगा SN = a ब्रैकेट के अंदर 1-1 r/n / 1-r, ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अब आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, वैल्यू रख देना। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि इस तरीके का मैंने अभी आपको केवल एक एग्जांपल बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से एस 10 आपका हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 आपका कुछ नहीं है, 1 कुछ नहीं कर सकता आपके क्वेश्चन में, क्योंकि मल्टीप्लाई भी करेगा तो सेम आएगा। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1-r आपका कितना आया, माइनस का 2, n की वैल्यू दोस्तों, n की वैल्यू 10 हो गई, ब्रैकेट बंद किया, अपॉन 1-r, तो 1 कितना है, ये सॉरी 1 ये हो गया 1-r, r आपका 2 है तो प्लस का 2, इस तरीके से। अब आपको ये सॉल्व कर देना, इतनी सी छोटी सी कैलकुलेशन है, बस आपको सॉल्व करना है। यहाँ आ जाएगा 1 और फिर +2/10 की वैल्यू, चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने देखा है 2 × 4 और 4 फिर आ गया 8 और फिर से इतना ही किया तो 8 × 8 = 64 हो गया, ठीक है ना। 2/8 की वैल्यू कितनी होती है, 64 होती है, और 64 में हमें फिर से 4 और मल्टीप्लाई कर देना है, कितना कर देना 4, देखिएगा 2 × 2 = 4, या हम कह सकते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 64। तो ये कितनी की वैल्यू आई, ये आ गई आपकी 3 × 3 = 6 की वैल्यू, कितनी 64, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये आपकी 6 टर्म की आ गई, 4 पद और बचे हुए, यानी 4 आपके 2 और बचे हुए हैं, यानी 2 के पेयर 2 बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16 और आपका आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 × 4 = 64, हालांकि यहाँ मैंने 8 करा था, यहाँ 8 नहीं 6 था, ठीक है ना। अब देखिए 16 × 4 = 64 हो गया, हासिल 6 लग गया, और 16 × 5 = 80, 16 × 96 और 102 हो जाएगा, 1024 कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा मेरे मित्र, 1024 डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो ये हो गया 1025/3, ये हो जाएगा आपका इस सीरीज का 10वां पद, ठीक है ना, 1025/3, ठीक है ना। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन अब आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपका सम से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को।
इसमें बोला है दी गई श्रेणी 1+4+16 के कितने पदों का योग 341 है। सीरीज है आपकी 1+4+16+... इसके कितने पद ले लें हम, अभी तो तीन पद हैं और कितने पद ले लें और फिर हम अगर जोड़ें तो सम हमारा 341 आना चाहिए। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, क्वेश्चन में बोला गया है इस सीरीज़ के कितने पदों का योग 341 है। जो ये सीरीज़ है इसके कितने टर्म का जो सम है वो 341 है, यानी कि अभी तो तीन पद ही हैं, आगे और कितने पद हम ऐसे ले लें ताकि हमारा उनका सम 341 आ जाए, यानी कि 341 आ जाए। आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब फार्मूला कौन सा लगाना ये डिसाइड कर लीजिए पहले, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, आप यहाँ से ए आपका 1 हो गया, आर आपका 4 हो गया, आपको पहला वाला फॉर्मूला लगा देना एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट के अंदर आर पर पावर एन माइनस आर माइनस 1, ठीक है ना मित्र मेरे, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। और ये आपका हो गया एस एन, एस एन का वैल्यू आपका 341 है। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं, सही है 341, तो एस एन हो गया 341 इज इक्वल टू ए आपका 1 है तो रहने दीजिए, आर आपका 4 है, 4 पर पावर एन करना है तो रहने दीजिए, माइनस का 1 करना है, आर माइनस 1 करना है तो 4 में से एक घटाया 3 हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ से देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ गुणा में चला गया तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 हासिल 1 या पावर 1, ठीक है ना, 3 त्रिकन्नों और 1 10 हो गया। इसके बाद हो गया 4 पर पावर एन माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों, अब हो जाएगा यहाँ से 4 पर पावर एन लेफ्ट में रखा मैंने, 1 को मैं यहाँ से पकड़ के लाया इस साइड, तो हो जाएगा 1024, क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा और सिंपल है कि ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 4 पर पावर एन, अभी क्या हमने फैक्टर किए थे क्या, कुछ हमने कुछ अभी फैक्टर किए थे, फैक्टर क्या किए थे हमने अभी 1024 के ही फैक्टर किए थे 2 पर पावर 10, कितना 2 पर पावर 10 करके हमने कुछ फैक्टर किए थे ना, तो हम 1024 को 2 पर पावर n लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, अरे सॉरी 2 पर पावर n मेरा मतलब कहने का है 2 पर पावर 10, ठीक है ना, n नहीं 2 पर पावर 10, ठीक है ना, क्योंकि 1024 की फैक्टर करेंगे ना तो 2 × 2 × 2 × आपका 10 बार आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 10, ठीक है ना, तो 2 पर पावर आपका 10 आ गया। इसके बाद यहाँ तो है 4 पर पावर n, तो या इसको फिर आधा करिए या इसको थोड़ा सा चेंज करिए, कैसे 4 पर पावर n है तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर आपका n रहेगा, पावर आपका n रहेगा और ये 2 इसके साथ भेज दें यानी 2 पर पावर 2n कर दें, तो बेस हो गया समान हमारा, तो 2 पर पावर 2n मैंने कर दिया, बेस आपका समान है, ये क्या हो गए, क्या हो गया दोस्तों, ख़त्म हो गए, हम कह सकते हैं ख़त्म हो गए, यानी कि बेस जब समान होता है तो केवल हम क्या करते हैं पावर को लेते हैं, जब पावर समान होती है तो केवल बेस लेते हैं, जैसे a पर पावर n इज इक्वल टू x पर पावर n है तो n n आपका ख़त्म हो जाएगा, a बराबर x आ जाएगा, या फिर आपका a पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर y है तो आपका a और a ख़त्म हो जाएगा और n इज इक्वल टू y हो जाएगा, और यही कंडीशन आपकी यहाँ बन चुकी है, तो 2 और 2 गया और 10 इज इक्वल टू 2n आ गया यानी n इज इक्वल टू 5 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था कि कितने पदों का योग 341 होगा, तो मेरे मित्र 5 पदों का योग, 3 पद ये होगा, 4th पद यहाँ आएगा, 5वां पद यहाँ आएगा, सबको जोड़ देना तो 341 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो कौन सा पद, 5वां पद, या हम कह सकते हैं 5 पदों का योग। तो ये था 6वां क्वेश्चन। अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा चुका हूँ, इसमें आपसे क्या बोला गया, थोड़ा सा चेंज करके दिया है, आपसे बोला है एक गुणोत्तर श्रेणी है 2/9, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर बताई थी पहले, 2/9 माइनस का 1/3 प्लस का 1/2, ठीक है ना, जाने पहचाने क्वेश्चन है सारे के सारे, ... बोला गया है कि कितने पदों का योग 55/72 है, 55/72 है, 3 पद ये हैं, आगे और ऐसे कितने पद हैं जिनका योग 55/72 है, कितना 55/72 है, ये आपसे पूछा गया है। और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें बोला था कि ये सीरीज़ दी थी, ठीक है ना, ये सीरीज़ दी थी और आपसे पूछा था कि सीरीज़ के 5 पदों का योग कितना होगा,
तो पांच पदों का योग मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था कितना, 55/72 यानी 55/72। पांच पदों का योग था 55/72, बट यहाँ जस्ट अपोजिट पूछ रहा है कि भाई साहब कितने पद हैं जिनका योग इतना है, तो पांच पद। तो कहना ये तो सर थ्योरेटिकली बता दिए, सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो ये आपका ए हो गया 2/9, और आर की बात करें अगर तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, ओके, अपॉन हो जाएगा 2/9। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस का 9/6 यानी कि माइनस का 3/2। तो हमने देखा आर हमारा क्या है, आर हमारा है इज लेस देन 1। तो फॉर्मूला फर्स्ट लगेगा एस एन इज इक्वल टू ए, आपका हो जाएगा फॉर्मूला दोस्तों फर्स्ट न लग करके सेकंड लगेगा, आपका हो जाएगा 1 r/n/1 r। आपको क्या करना, एस एन आपको दिया है, ये एस एन दिया है, ए आपके पास दिया है, आपके पास आर दिया गया है, और आपको एन निकालना है। तो अब एन आप निकालते रहिएगा अपना, ठीक है ना। अब मैं नहीं बताऊंगा कि आर कैसे निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम था बट थ्योरी थोड़ा सा अलग थी। हालांकि अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, समझ गए इतना। लेकिन उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, स्टडी सर्किल 2.0 करके, ठीक है ना, स्टडी सर्किल 2.0 करके एक चैनल भी है टेलीग्राम पर, जिस पर मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन इसी नेम से एक आपका ग्रुप है जिस पर आप आपस में आप किसी भी स्टूडेंट के साथ चैट वगैरह कर सकते हैं, यानी अपनी स्टडी से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, और अपने कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो आप वहाँ सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले वहाँ ज्वाइन होना पड़ेगा तब आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो आप टाइप नहीं कर सकते इतना सारा क्वेश्चन, हो सकता है टाइप भी कर दें, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।